everyone, welcome back to my channel. I'm Brashi from Marvelous Beauty Salon. So guys, how are you all? I hope all are you good. So guys, आज मैं आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो एक महज छोटा सा ट्रीटमेंट है जिसको आप घर पे बैठ के भी कर सकते हो. बिकॉज ऑफ मेरे क्लाइंट्स ने और मेरी फ्रेंड्स ने भी बहुत बार मुझसे पूछा कि मैम कुछ ऐसा बताइए जो नेचुरल एक स्किन पे जो ग्लो रहता है उसके लिए कुछ हमें बताइए. तो मैंने सोचा क्यों ना एक आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँ. और जो भी जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ विटामिन ई के कैप्सूल्स के साथ आप कैसे घर पर ट्रीटमेंट कर सकते हो. बिकॉज ऑफ विटामिन ई जो है, विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है. स्किन को हाइड्रेट करता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है, स्किन पे नेचुरल ग्लो रखता है. मीन्स अगर जैसे आपके पास फेशियल करवाने का टाइम नहीं भी है, वैसे मैं भी फ्रेंकली आपको एक बार बता दूँ कि आफ्टर 25 फेशियल्स कराना बहुत ज़रूरी होता है. बिकॉज ऑफ जब 25 एज प्लस हम चले जाते हैं तो स्किन की जो मेंटेनेंस के लिए फेशियल बहुत ज़रूरी होता है. लेकिन अगर आप 2 या 3 मंथ के बाद फेशियल लेते हो तो उसमें आप रेगुलर एक विटामिन ई का ट्रीटमेंट अपनी स्किन पे दे सकते हो घर में बैठ के. जो हर विटामिन ई के कैप्सूल्स हर जगह अवेलेबल हैं और किसी भी शॉप से मिल सकते हैं और बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल रहे हैं. लेकिन इनका कैसे यूज़ करना है वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए. और जिन जिन्होंने मेरे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए. सो गाइज, मैं बताना चाहूंगी कि सबसे पहले हमारे फेस पे बिल्कुल भी प्रोडक्ट्स कोई भी नहीं लगाना चाहिए. मेकअप बिल्कुल नहीं होना चाहिए. अगर आप विटामिन ई के कैप्सूल का यूज करने लगे हो तो सबसे पहले आपने अपना फेस वॉश करना है अच्छे से, किसी भी सोप के साथ, किसी भी फेस वॉश के साथ, जो भी आप यूज करते हो. तो आपके फेस पे बिल्कुल भी किसी भी तरह का मेकअप प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए. बिल्कुल फेस को नीट क्लीन करिए. गाइस, ये रहे हमारे विटामिन ई के कैप्सूल्स. आप देख सकते हो ये जो मैंने एक कंटेनर लिया था छोटा सा विटामिन ई का कैप्सूल्स का, और ये मार्केट में अवेलेबल है और बहुत रिजनेबल प्राइस में मिलता है ये. और जस्ट ओनली 60 रुपीज़ में मैंने ये लिया था. और जिसमें से मैं कैप्सूल्स यूज़ भी कर चुकी हूँ. लास्ट मंथ से मैंने आई थिंक शुरू करना किया था शुरू ये. और गाइज, मेरे खुद के बहुत सारे डार्क स्पॉट्स थे, मेरे को बहुत बहुत ऑसम रिजल्ट मिला कि मेरे डार्क स्पॉट्स काफ़ी इससे चले गए हैं. इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूं. और गाइज देखिए, ये इसमें से मैं 2 कैप्सूल्स लूँगी अभी, और उनका यूज़ कैसे करना है मैं आपको अभी बताती हूँ. फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये 2 कैप्सूल्स लिए हैं. 2 कैप्सूल्स इनफ फॉर आर स्किन. तो इनको हम कट करेंगे और कट करने के बाद हम इनको यूज़ करेंगे. देखिए, ये हमने इसमें से कैप्सूल्स में से सारा जो इसका ऑयल है वो हमने निकाल लिया है. देखिए, इसके बाद आप सब ने इस ऑयल को एक पैक की तरह अपने फेस पे अप्लाई करना है, जैसे हम नॉर्मल एक पैक अप्लाई करते हैं. देखिए, मैंने अब पूरे 2 कैप्सूल्स ओपन करके मैंने उनका जो ऑयल है वो मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर दिया है. और अब हम इनको 15 मिनट के लिए अपनी स्किन पे छोड़ देंगे. सो 15 मिनट हमारे हो चुके हैं. और 15 मिनट के बाद आपने एकदम इसको वॉश नहीं करना. इस पर हम पहले हल्के हल्के हाथों से अपने मसाज देंगे. बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से मसाज देनी है. मसाज देने के बाद हमने इसको ना पानी से वॉश करना है, ना साबुन से, ना फेस वॉश से. आपने इसके बाद यूज करना है डाबर का रोज वाटर. और गाइज, जैसे आप देख सकते हो, डाबर का रोज वाटर मेरे पास अवेलेबल है. और इसको आप अपने
इस ऑयल के ऊपर अप्लाई करोगे वो कैसे मैं आपको बताऊंगी। इसको अप्लाई करने के बाद आपको बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरा फेस क्लीन कर लिया है अपना, बट रोज़ वाटर के साथ, रोज़ वाटर को ही मैंने अप्लाई किया है और उसके बाद इसको मैंने टिश्यू के साथ रिमूव कर दिया है। और आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी कि विटामिन ई के कैप्सूल्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और प्लीज़ आप भी लेके आइए और इसको रूटीन से यूज़ करिए और आपको बहुत 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 अच्छा रिजल्ट मिलेगा घर पे बैठे ही, और आपको इफेक्ट पता चलेगा अपने फेस पे, खुद आप एक ग्लो, एक नेचुरलिटी, एक नेचुरल जो ग्लो होता है वो आप फील कर पाओगे। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और जिन जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।